हाय एवरीवन एंड यू वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब भी हम मूंग दाल का हलवा बनाने बैठते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, साथ ही साथ बहुत घी और मेहनत भी लगती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकदम अलग तरीके से ये रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम आधे घंटे में बना करके रेडी करेंगे। साथ ही साथ इसमें दाल को भी भिगोने की ज़रूरत नहीं है और घी भी जितना ट्रेडिशनली मूँग दाल के हलवे में पड़ता है उससे कम में इसमें हलवा बन जाएगा, बट फ्लेवर्स इसमें पूरे रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बन करके रेडी होगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक पैन रखेंगे लो फ्लेम पर, और यहाँ पर मैंने एक कप धुली हुई मूंग की दाल ली है। इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था ताकि इसका जो भी डस्ट वगैरह रहता है वो निकल जाए। और अभी मैंने घी वगैरह नहीं डाला है, इसको सिंपली हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये प्रोसेस करने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएगा, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको करना है और लगातार इस तरीके से हमें चलाते रहना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितना इसमें से पानी जो हमने धोने में यूज़ किया था वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और धीरे धीरे ये दाल का टेक्सचर ड्राई होने लगेगा। और थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसको लगातार चलाते रहना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कहीं से दाल ज़्यादा सिक जाएगी, कहीं से कम सिकेगी, या हो सकता है कि जल भी जाए। तो इसलिए लो फ्लेम रखिए और इसको लगातार चलाते रहिए। यहाँ पर अभी करीब 8 मिनट हो चुका है और कलर आप देख रहे हैं कि कितना चेंज हो गया है। यहाँ पर अब मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर दिया है और यहाँ पर कलर आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये दाल भुन गई है। मुझे 12 मिनट लगे हैं इस दाल को भूनने में। अब गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको ठंडा करके पीस लेंगे। नेक्स्ट अब पैन लेंगे और उसको भी मैंने लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है और यहाँ पर मैं आधा कप जितना देसी घी डाल रही हूँ। घी को आराम से मेल्ट होने देना है और यहाँ पर जो हमने दाल को पीसा था उसको हम इसमें डाल देंगे जब घी मेल्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें डालने के बाद कोई भी बबल्स वगैरह नहीं उठ रहे हैं क्योंकि हमने जो फ्लेम है वो लो पर रखी हुई है। दाल ऑलरेडी बहुत अच्छे से भुन गई है, इसलिए जैसे ही हमने इसको घी में डाला इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। और इस दाल को अभी हमें बस 5 मिनट और भून लेना है लो फ्लेम पर। जैसे जैसे ये भुनेगी आपको दिखेगा कि इसका कलर और थोड़ा सा इंटेंस होने लगा है, थोड़ा सा और डार्क होने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो 5 मिनट बाद अब यहाँ पर हम काजू डाल देंगे और मैंने साथ में थोड़े से चिरौंजी भी डाला है। आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। और बस 2 मिनट हम और इसको भून लेंगे ताकि काजू और चिरौंजी भी इसके साथ भून जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि काजू और चिरौंजी भून रहे तो इसमें हल्का हल्का सा बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप जितना चीनी डाल रही हूँ। इतनी चीनी से एकदम बिल्कुल माइल्ड जो स्वीटनेस वाला हलवा होता है बिल्कुल एप्ट वही स्वीटनेस का बनेगा। अगर आप ज़्यादा चीनी खाना प्रेफर करते हैं तो आप 1 कप जितनी चीनी डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर 2 कप जितना दूध। हम यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, दूध का ही यूज़ कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दूध से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आया था और आप लोग भी दूध का ही यूज़ करिएगा तो काफ़ी अच्छा हलवा बनेगा। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद हमें फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में कर लेना है और वेट करेंगे तब तक जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। एक बार बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हमें इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है। अगर नहीं चलाएंगे तो हलवा जो है वो नीचे से जल जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से दूध भी रिड्यूस होने लग गया है, साथ ही साथ जो हलवा है वो भी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी यहाँ पर घी आपको सेपरेट देख रहा है लेकिन एक बार जब हलवा और गाढ़ा हो जाएगा तो ये घी भी दाल के साथ मिक्स हो जाएगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा घी ऊपर नहीं दिखेगा जैसे यूजुअली मूंग दाल के हलवे में दिखता है। तो यहाँ पर ये देखिए और ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है और जैसा मैंने बोला था कि घी भी इसके साथ मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। और साइड से भी स्क्रेप करते जाएंगे सो दैट कि साइड वाला जले नहीं। अब यहाँ पर हलवा काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है तो इस स्टेज पर हम इसमें 1 टीस्पून जितना इलायची का पाउडर डाल देंगे। चीज़ के साथ इलायची को क्रश कर लीजिएगा और उसका पाउडर बना के इसमें डाल दीजिएगा और वापस से हम इसको चला लेंगे।
आफ्टर 10 मिनट्स हलवा हमारा बन करके इस तरीके से रेडी है। इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब नीचे से ये रिलीज़ हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा घी आपको नहीं दिख रहा है। ऊपर से मैं थोड़ा सा बादाम और पिस्ता से इसको गार्निश कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए हम और भून लेंगे, तो आप इसका टेक्सचर देखेंगे, ऊपर से काफ़ी खिला खिला सा होना शुरू हो जाएगा। और अब ये रेडी है, हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसको सर्व करेंगे। इसका टेक्सचर अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बहुत ही खिला हुआ इसका टेक्सचर है, ऐसा नहीं कि चिपका चिपका बना है। और साथ ही साथ जो हमने इसमें दूध डाला है उसकी वजह से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट से मैं और ऊपर से गार्निश कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड फास्ट वाला मूंग दाल का हलवा है, एंड मुझे नहीं लगता है कि अब मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ट्रेडिशनली बहुत टाइम लगता है। अगर आप ट्रेडिशनल मूंग दाल का हलवा देखना चाहते हैं तो उसकी भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं है, बहुत अच्छा इसका भी टेस्ट आया था। सो आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय फ्रॉम मी।